देवियों और सज्जनों, एक रोमांचक कुश्ती मैच में आपका स्वागत है। आज हम एक लड़के और एक लड़की के रिंग में कदम रखते ही ताकत, चपलता और रणनीति की लड़ाई देखते हैं। जो बात इस मैच को और अधिक पेचीदा बनाती है वो ये है कि लड़की शुरू में अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में अपने बेहतर कौशल का प्रदर्शन करती है। लड़की ने लड़के को पटक दिया और उसके ऊपर बैठ चुकी है। जैसे ही मैच शुरू होता है, लड़की अपने प्रभावशाली एथलेटिक्स और तकनीकी कौशल के साथ जल्दी से रिंग पर नियंत्रण कर लेती है। वो लड़के के चारों ओर सहजता से पैंतरेबाजी करती है, प्रभावशाली टेकडाउन को अंजाम देती है और उसकी हर चाल का कुशलता से मुकाबला करती है। उसका आत्मविश्वास उसके कार्यों से चमकता है। दूसरी ओर लड़का खुद को लड़की की गति और सटीकता के साथ बनाए रखने के लिए संघर्ष करता हुआ पाता है। वो पलटवार करने के लिए बहादुरी से कोशिश करता है। लड़की की बेहतर तकनीक और फुर्ती ने उसका पलड़ा भारी कर दिया, जिससे लड़का स्थिति को पलटने का रास्ता खोजने के लिए बेताब हो गया। दोनों प्रतियोगियों द्वारा प्रदर्शित अविश्वसनीय प्रयास को पहचानते हुए भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। दोनों प्रतियोगी अटूट संकल्प प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वे वर्चस्व के लिए भयंकर लड़ाई में हैं। केवल कुछ सेकंड शेष रहने पर लड़की एक अंतिम विनाशकारी चाल शुरू करने के लिए अपने कौशल और दृढ़ संकल्प के हर ऑंस को बुलाती है। लड़की ने लड़के को गर्दन से ऐसा दबाया कि लड़का हार मान लेता है। लड़की पैंतरेबाजी के कारण मैच के अंत और लड़की की अच्छी खासी जीत का संकेत देते हुए रेफरी का हाथ मैट को पटक देता है। जबकि लड़की ने शुरू में अपनी बेहतर क्षमताओं का प्रदर्शन किया, यह मैच इस तथ्य के लिए एक वसीयतनामा के रूप में कार्य करता है कि खेलों के क्षेत्र में लिंग किसी की क्षमताओं का निर्धारण नहीं करता है।